हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। डीप क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन हम सब की लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं। इस वक्त जब हम सब लोग इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, तो हम अपने हाथ तो बार बार क्लीन करते ही हैं, साथ ही बाहर से आई हुई कोई चीज भी अच्छी तरह से सैनिटाइज करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि किचन एक ऐसी जगह है जो चाहे पैंडेमिक हो चाहे नॉर्मल टाइम चल रहा हो, हमेशा सबसे ज्यादा क्लीन और सैनिटाइज रखने की जरूरत है। क्योंकि किचन में खाना बनता है, जो खाना हम कंज्यूम करते हैं इसलिए उसे हाइजीनिक होने की जरूरत है ही। साथ ही बिकॉज किचन में खाना बनता है तो वहां पर रोचेस, पेस्ट्स और चींटियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए टुडे आई एम गोइंग टू डीप क्लीन माय किचन। ऑल्सो आई विल शेयर सम हैक्स विद यू, जिससे आप भी अपने किचन को डीप क्लीन कर सकते हैं और पेस्ट फ्री रख सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं माइक्रोवेव से शुरू करूंगी। माइक्रोवेव का इस्तेमाल बहुत होता है किचन में और इसमें बहुत ग्रीस जम जाती है, तो इसे साफ करने के लिए ये देखिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है और उसमें पानी मिक्स किया है। अभी पहले मैं इसे अच्छे से सब जगह लगा दूंगी। इसकी एक थिक लेयर हम सब जगह अच्छी तरह से माइक्रोवेव में लगाएंगे। तो मैंने बेकिंग सोडा और वाटर जो मिक्स किया था उसे अच्छे से बहुत थिक थिक सब जगह लगा दिया है। इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैंने विनेगर लिया है, विनेगर यानी सिरका, इसे मैंने एक स्प्रे में डाल लिया है। इसे अब मैं सब जगह अच्छे से स्प्रे करूंगी। अब विनेगर के बाद मैं पानी लूंगी और ऐसा कोई भी आप या तो वाइपर ले लीजिए या कोई भी कपड़ा ले लीजिए और उसे अब मैं गीला करूंगी और सब जगह अच्छे से पोंछूंगी। देखिए माइक्रोवेव बिल्कुल क्लीन हो गया है, कहीं पर कोई भी ग्रीस नहीं बची है। और अब किचन के वॉल्स क्लीन करने की बारी। तो जिस स्प्रे में मैंने विनेगर लिया था उसी विनेगर में अब मैंने बेकिंग सोडा मिक्स कर दिया है, जिसे हम वॉल्स पर स्प्रे करेंगे। इसी तरह
तरह से किचन की सारी टाइल्स को मैंने क्लीन किया है, आप भी ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि विनेगर और सोडा पुरानी से पुरानी जमी हुई ग्रीस को भी आसानी से निकाल देता है। डीप क्लीनिंग तो हो गई, मैंने हर शेल्फ को सब जगह अच्छी तरह से साफ भी कर लिया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि डीप क्लीनिंग के साथ साथ हमें अपने किचन को कॉकरोचेस और पेस्ट से भी फ्री रखना होता है, और मैं ये बहुत ही रेगुलर बेसिस पे करना पसंद करती हूँ, क्योंकि पेस्ट और कॉकरोचेस कई बीमारियों का कारण होते हैं। अब इन दिनों वैसे भी बाहर से मैं पेस्ट कंट्रोल के लिए किसी को भी बुलाना नहीं प्रेफर करती, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, और अदरवाइज भी रेगुलर बेसिस पे मैं ये खुद ही करना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं अपने किचन को कॉकरोचेस और पेस्ट से बिल्कुल फ्री रखने के लिए जो इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए गोदरेज हिट एंटी रोच जेल, ये कंप्लीटली सेफ है, ओडर फ्री है, और इसे इस्तेमाल करना हैसल फ्री है। ये पेस्ट कंट्रोल लाइक इफेक्ट देता है जो कि 45 डेज तक लास्ट करता है, तो बहुत आसानी से आप एक बार 45 डेज में इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने किचन को आप कॉकरोचेस और पेस्ट से बिल्कुल फ्री रख सकते हैं। चलिए इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए, इसे बस इंजेक्शन की तरह आपको प्रेस करना है। इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। ड्राई सरफेस पर 5 सेंटीमीटर की दूरी में 20 डॉट्स लगाने हैं। ध्यान रखिएगा, जहां भी खाने की चीज रखी है उसके पास में इसे मत लगाइएगा। अपने घर के बाकी रूम्स भी एक एक दिन पिक करूंगी डीप सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इन एनी केस अपने घरों को एवरी 3 मंथ इस तरह से डीप क्लीन करना चाहिए। लेकिन हाँ, हिट एंटी रोज जेल आप 45 डेज के बाद दोबारा इस्तेमाल करें, ये ना भूलें, क्योंकि इसका इफेक्ट 45 डेज तक लास्ट करता है। बट अदरवाइज इन जनरल फॉर योर डीप क्लीनिंग आई थिंक एवरी 3 मंथ हम सबको ये जरूर करना चाहिए। You all stay safe and stay healthy.